नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे लर्न अबाउट मेडिसिन 2 में। आज मैं बात करूंगा एंटीकोल टेबलेट और रेबडोम DSR कैप्सूल और बताऊंगा ये किन किन परिस्थितियों में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि नई नई वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पैरासीटामोल और हाइड्रोक्लोराइड पेनिफ्लिन, इसके अंदर काफ़ी कुछ साल्ट डाले हुए हैं। ये जुखाम हो, हल्की फुल्की खांसी हो, बुखार हो, ये आप उसमें दे सकते हैं। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, लगभग 60 रुपये इसका प्राइस होगा, मेडिकल से आसानी से मिल जाएगा। और 10 टेबलेट होती है इसके अंदर, तो आप मेडिकल से परचेस कर सकते हैं इसको। और 2 दिन में ये आपको अच्छा आराम देगी, जुखाम हो और हल्का फुल्का बुखार हो तो आप डॉक्टर की राय लेके ये ले सकते हैं। और मेरा मानना है कि ये आप एक टेबलेट का पत्ता पूरा ये घर पे आप रख सकते हैं, जब भी जुखाम वगैरह हो आप उनमें दे सकते हैं। ये देख लीजिए, एंटीकोल टेबलेट है ये। और उसके बाद आ जाते हैं ये DSR कैप्सूल है ये। ये किसी के गेंस बनी हो उनमें काम आती है, और छाती में जलन वगैरह होती हो तो काम आती है। ये आपको खाली पेट सुबह शाम लेना होता है, और सुबह सुबह ले सकते हैं आप खाली पेट, जिससे आपका पूरा डायरिया एकदम सही हो जाएगा, पेट वगैरह सही हो जाएगा। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, लगभग 87 रुपये 87 रुपीज़ इसका प्राइस है। और डॉक्टर की राय लेके आप ये दे सकते हैं DSR कैप्सूल है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि नई नई वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। धन्यवाद।